तो गूगल सीट की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जो आइकन्स बने हुए हैं, इन आइकन्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था फाइल मेनू फाइल बार, हम डिस्कस कर रहे हैं जो आइकन्स बने हैं। देखिए जो ये आइकन्स है, ये हम बोलते हैं इसको क्विक फॉर्मेट, क्विक रिस्पॉन्स कह सकते फॉर्मेट, हैं कि आप कुछ चीज़ अप्लाई करनी तो अंदर ना जाना पड़े। तो ठीक। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपका अंडू और रीडो होता है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, ये बताने की जरूरत तो ठीक है नहीं। है, प्रिंट ठीक है। होता है, आप इसको प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट में चला जाता है यहीं से, हालांकि इसका शॉर्टकट कंट्रोल पी भी इस पे वर्क करता है। हाँ ठीक है, कंट्रोल पी करता हूँ तो कंट्रोल पी भी सेम वर्क करता है इसके अंदर, ठीक एक्सेल है की तरह। जी हाँ। इसमें आप पेमेंट कर सकते, करेंट शीट करना है प्रिंट कर सकते, करेंट शीट करना है, पेपर साइज क्या है, लेंस क्या, बॉर्ड क्या, फिट टू विड्थ है, साइज नॉर्मल है, वगैरह वगैरह की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद था ये आपका फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ है डेटा है हमारा, हम चाहते हैं जो फॉर्मेटिंग यहाँ है ना सेम फॉर्मेटिंग यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बॉर्डर किया है, बोल्ड किया है, साइज बड़ा किया है, कलर किया है, बॉर्डर किया है, ये चीजें इकट्ठा तो होती नहीं, अलग अलग से करना पड़ता है। तो यहाँ आप क्या करें, फॉर्मेट पेंटर्स इस पे क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद जहाँ भी ड्रैग करेंगे वहाँ पे वो तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, ठीक ठीक है। है, डन। तो ये जैसे एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर होता है उसके लिए यूज किया जाता है। हाँ, ठीक है। यहाँ आपके सामने आता है कि इसको जूम कर सकते हो विंडो को, लेकिन ध्यान रखिएगा जो जूम होगा ना उसे एक्सेल सीट जूम होगा, ये आपका बाहर का जो चीज़ है जूम नहीं होता है, ठीक है, डन डन। ठीक है। इसको जूम करने के लिए जो आपका ये कंट्रोल क्रोम का प्लस, जूम है उसी को यूज करना पड़ेगा, ठीक। कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हील होता है वो घुमाएंगे हाँ, तो आपका जूम होता है। उसके बाद ये डॉलर है करेंसी, जैसे मैंने यहाँ पे अगर कोई 100 डाला हुआ है रुपीज, इसको करेंसी में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा डॉलर का करेंसी है जो लगा सकते हैं। ठीक है, डन। अब डॉलर की जगह रुपीज भी होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना गूगल का सेटिंग चेंज करना होगा, तो आप चेंज अपना रुपीज फॉर्मेट लगा सकते हैं। इसके ठीक बाद है, परसेंटेज, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2.20 लिख दिया, इसको परसेंट फॉर्मेट में दिखाना है तो परसेंट डाल दीजिए। ये आपका अपना जो जीरो को कम या ज़्यादा, जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं उसको कम और ज़्यादा यहाँ से कर ज्यादा सकते हैं। करते हैं। उसके बाद अपने हिसाब का नंबर फॉर्मेटिंग लाने के लिए, ये हमारा 1, 2, 3 जो दिख रहा है ये हमारा नंबर फॉर्मेट है, कि आखिर है क्या, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप क्या करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक है मतलब कि जैसे जैसा टाइप करेंगे वैसा होगा, या प्लेन टेक्स्ट है, या जस्ट नंबर है, या परसेंटेज है, या साइंटिफिक में है, या अकाउंटिंग है उसमें ब्रैकेट में आगे जीरो लगाया जाएगा, या फाइनेंशियल है, ठीक है ना। अब बोले से ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट माइनस के लिए, अगर मैं यहाँ पे ठीक है। माइनस अच्छा, 100 करूँ तो ब्रैकेट लग जाएगा, लग गया सर। हाँ, लग गया। तो ये ब्रैकेट जो है वो हमारा माइनस के लिए है। माइनस फिर करेंसी, आप करेंसी दे सकते हैं, के और यहाँ पे करेंसी आता राउंडेड, कि मुझे डेसिमल नहीं चाहिए राउंडेड चाहिए, तो ये राउंडेड आप ले सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा ये डेट एंड टाइम का फॉर्मेटिंग है, ये डेट है या टाइम है उसका फॉर्मेट, ये क्विक फॉर्मेटिंग है, यहाँ से क्विक फॉर्मेटिंग आप डाल सकते हो। अब जैसे कि कस्टम करेंसी की हम बात करते हैं, तो क्या है आपका, हमने बोला इंडियन रुपीज है, इसको अप्लाई कीजिए, ये आपका इंडियन रुपीज में आ जाएगा, आ गया सर। अब आ डिफॉल्ट गया। यहाँ डॉलर है, अगर आपको आपका खुद का करेंसी चाहिए तो यहाँ पे ऐसी कस्टम डेट है जहाँ पे आपने डेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ऐसे आपका कस्टम नंबर फॉर्मेट है, ये आपका नंबर फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। इसके बारे में आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये कस्टम फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, बने बनाए कोड से इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। अब कोड क्या है, तो अब कोड है जैसे कि मान लीजिए कि मैं
यहीं पे कोई नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर दिख रहा है, हाँ 12 डाला, 12 दिख रहा है, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसमें टेक्स्ट हो गया है, अब इसको डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया नंबर गया, तो प्लेन टेक्स्ट हो गया, मैं नंबर कर देता हूँ, नंबर करते दिख रहा है सर कुछ चेंज हो गया ना। कॉमा कॉमा लग गया, हाँ जो वन हाउ टाइम दिस में लिखा है हैपेंड। उसको कॉमा कॉमा लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 9 करता हूँ, 9 8 7 2 8 3। अच्छा इसमें हम कोई कितना भी नंबर लिख सकते हैं, एक्सेल के अंदर में है 15 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं लिख सकते आप, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके अपने हिसाब से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1500 दे दिया और मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग पे गए, कस्टम नंबर फॉर्मेट पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में MRP, और हमने यहाँ पे दे दिया 1 0, अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पे दिख गया। तो जब नंबर टाइप करके एंटर मारेंगे तो MRP अपने आप लग जाएगा। एक अच्छा कस्टम फॉर्मेटिंग है जो कि आगे क्लास में हम आपको सिखाएंगे, जहाँ यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ समझे सर कि नहीं। गया समझ गया सर, अभी इतना तो समझ गया, जितना बताया आपने उतना समझ गया। उसके बाद ये फॉन्ट है, अपने हिसाब का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज है, फॉन्ट की साइज ठीक को कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका बोल्ड होता है, बोल्ड कर सकते हैं, है, इटैलिक है, इटैलिक कर इटैलिक, सकते हैं, ये स्ट्राइक थ्रू है। ठीक अब स्ट्राइक थ्रू का क्या जरूरत है, पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे कुछ मेल आता है, या कुछ ऐसा सेंटेंस आपने देखा हुआ है, राइट सर, ठीक जैसे ये देख लीजिए, राइट, इसी को मैं इसी वर्ड को कॉपी कर देता हूँ। अब इस वर्ड को कॉपी करके मुझे गूगल शीट में रखना है, है, हमने कॉपी किया और हम चले गए गूगल गूगल शीट ऊपर में, में एक में दिखाएगा नहीं, तो हमने क्या किया, एक एरिया को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको मर्ज, मर्ज यहाँ से होता है, ठीक है सर। ठीक है डन। अब मर्ज पे हम पेस्ट करेंगे तो दिक्कत होगा, नहीं पेस्ट हुआ ना सर, नहीं अनमर्ज हो गया। हाँ इस पर डबल क्लिक करके फिर पेस्ट किया, तब जाके मर्ज के अच्छा अंदर पेस्ट होगा, लेकिन वो सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी नहीं तक इसको रैप नहीं किया है। किया, ये दिख रहा है टैक्स रैपिंग, ठीक है टैक्स रैपिंग में मैंने यहाँ बोला कि भाई इसको रैप कर दो, ये रैप हो गया। हाँ रैप करने के बाद मुझे लगा कि इसमें जो मैक्सिमाइज वर्ड लिखा हुआ है ना, ये गलत है, अच्छा तो सबसे पहले इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया और इसकी कलर जो है रेड कर दिया, और फिर इसको कर दिया यहाँ से स्ट्राइक कर। ठीक अब दिख रहा है कि गलत है सर, समझे, हाँ अच्छा एक स्ट्राइक थ्रू का यूज इस तरह के लिए करते हैं। ये आपकी फॉन्ट कलर हो गई, फॉन्ट की कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका बैकग्राउंड चेंज होता है, कि आपको इसकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड के कलर। अच्छा इसमें है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है, यहाँ दिख रहा होगा, हाँ ठीक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको हम इंसर्ट में आपको हम समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबी टॉपिक है तो अभी हाँ समझना हाँ मुश्किल हाँ हो जाएगा। देखिए हाँ यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर अल्टरनेटिव कलर होता है, अब अल्टरनेटिव कलर क्या होता है, जैसे कि एक एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ मैं अल्टरनेट कलर दे दिया, तो क्या होगा, एक कलर होगा, अच्छा दूसरा नहीं होगा, दूसरा फिर कलर, अलग फिर दूसरा नहीं होगा कलर, जैसे टेबल में होता है ना सर, हीडर नहीं चाहिए तो हीडर हटा दीजिए। इसके बाद एक कलर अलग, कौन सा कलर चाहिए अलग अलग चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, हीडर कलर कुछ और चाहिए, बोला कि हीडर कलर मुझे ये नहीं चाहिए तो एक कलर रहेगा, ठीक है, दूसरा कलर हमने बोला कि इस तरह का चाहिए तो ये रहेगा। तो इस तरह से आप कलर अल्टरनेटिव कलर ले सकते हो, तो एक सेल कलर होगा, दूसरा सेल कलर नहीं होगा, फिर कलर होगा, फिर कलर नहीं होगा, इस तरह से, या कोई और कलर होगा। ओके सर, ठीक समझ में आया अल्टरनेटिव कलर। है, ठीक
हाँ अल्टरनेटिव कलर समझ गया। अब बात करते हैं बॉर्डर की। किसी सिलेक्टेड एरिया में मुझे बॉर्डर आप, क्योंकि ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, इसको आप प्रिंट करेंगे तो लाइनिंग प्रिंट में नहीं आता है सर, नहीं आया ना। नहीं आता, नहीं। तो आप अगर लाइनिंग लाना चाहते हैं तो उस एरिया को बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से होता है। ऑल बॉर्डर तो यहाँ से आप जो है बॉर्डर ले सकते हैं, ऑल बॉर्डर जैसा वो दे देगा, ठीक है, यहाँ ठीक पे इस तरह का बॉर्डर दे दिया। सर है। से बीच हाँ का बॉर्डर है, साइड का बॉर्डर है, या ये जो अलग अलग तरह के बॉर्डर है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, नो बॉर्डर क्लियर बॉर्डर कर सकते हैं, दिख रहा है। ठीक है। हाँ अब यहाँ पे बॉर्डर की कलर है कि किस कलर का बॉर्डर होना चाहिए, और स्टाइल है कि डॉट डॉट डैश डैश होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो आप यहाँ से डिसाइड कर ठीक सकते हैं। है, अब यहाँ आपकी मर्ज सेल है, मर्ज सेल डीएक्टिवेटेड है। एक्टिवेट कब होता है, जब सेलेक्ट करते हैं तब एक्टिवेट होता है, सेल को मर्ज कर देता है, या अनचेक वापस क्लिक करें तो अनमर्ज, क्लिक किया तो मर्ज, वापस क्लिक किया तो अनमर्ज। अब अच्छा। यहाँ पे मर्ज ऑल आया, मर्ज आता है वर्टिकली, इसी वर्टिकली को मर्ज कर रहा है, दिख रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा। हाँ देखा। उसके बाद इसी में आता है यहाँ पे मर्ज होरिजेंटली, तो सिर्फ एक मिनट, पहले इसको पहले अनमर्ज करना होगा। हाँ यहाँ से होरिजेंटली मर्ज ओरिएंटेड, अनमर्ज ठीक किया, उसके बाद है, ठीक अनमर्ज करने के लिए वापस क्लिक करेंगे तो ये आपका वापस मर्ज फिर अनमर्ज करेगा, मतलब तो 2 बार करना पड़ेगा। हो है। हाँ सकता है कि ठीक, यहीं से आप अनमर्ज कर दें तो अनमर्ज कर देगा। ओके। अब बात करते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम सुजीत कुमार लिख दिया, अलाइनमेंट समझ लीजिए। अब अलाइनमेंट करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको कॉलम को बड़ा करना होगा, ठीक लेफ्ट है, मिडल है, राइट है, ठीक मिडल है, है। राइट है। अब इसमें टॉप बॉटम के लिए आपको यहाँ पे देना यहाँ पड़ेगा से कि टॉप पे चाहिए, बीच मिडल में चाहिए चाहिए, या बॉटम चाहिए, तो यहाँ से यूज कर सकते हो। ये आपका हॉरिजॉन्टल ठीक अलाइनमेंट होता है, ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, ये ठीक आपका है। हाँ रैप टेक्स्ट है। पहले बताया कि आपको रैप हाँ ओवरफ्लो करना है, ठीक रैप है, करना है, या क्लिप ठीक है। करना है। क्लिप का मतलब क्या हुआ? ठीक क्लिप क्या मतलब क्या हुआ, देखिए अभी मैं कॉलम को छोटा करता हूँ, अभी क्या है ओवरफ्लो है, हाँ ओवरफ्लो है, ठीक है ना। अब इसी में मैंने इसको लिया और कर दिया क्लिक। अच्छा। तो जितना जरूरत है उतना दिखेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा, हालांकि एक क्लिप ऑटोमेटिक हो जाता है जब इसके सेल में अगर कुछ टाइप करते हो ना तो ऑटोमेटिक क्लिप हो जाता है, हाँ ठीक है, इधर वाला क्लिप हो जाए, लेकिन कभी अगर ब्लैंक सेल और फिर क्लिप करना हो तो यहाँ से क्लिप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन होता है कि इसको किस एंगल में रोटेट कर सकते, ओके, ठीक है सर। अच्छा इसमें फॉन्ट हो गया, तो इसमें एक बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट है या नहीं है, नहीं है, इसमें बी तक है, डब्ल्यू तक नहीं है। हालांकि जो फॉन्ट नहीं है तो मोर फॉन्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, जैसे कि बाइंडिंग BIN, नहीं यहाँ से स्पेशली फॉन्ट वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है ना। नहीं अभी जो अलाइनमेंट के लिए मुझे एक एक छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना होगा, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक अटेंडेंस का फॉर्मेट, ठीक है सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, सॉरी नेम, डिपार्टमेंट और डेट दे देता हूँ। मान लीजिए मुझे जुलाई का ही बनाना है तो मैं जुलाई का डेट दे दिए और इसके ऊपर हम +1 करके आगे की तरफ ड्रैग कर दें, पूरा महीने का 20 तक ही हुआ। ठीक अब आगे नहीं है तो
हमें क्या करना होगा यहाँ पे, हाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके इंसर्ट, ये बहुत सारा सेल इंसर्ट करना है क्योंकि तो 7-8 इंसर्ट सेलेक्ट करना है, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट 6 कॉलम कर देते हैं। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे कॉपी करके हम आगे की तरफ पेस्ट करते हैं, देखते कहाँ तक जाएगा। यस, कर और एक और इंसर्ट करके 31 करना होगा। यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा अगर ज़्यादा आपके पास है तो, ध्यान रखिएगा इसका। 29 2 बार हो गया। हो गया सर। बताओ और फिर इसको नीचे तक सेलेक्ट करके हम बॉर्डर ऑल कर देते ऑल हैं। कर देते और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास सीक्वेंस नंबर है कुछ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नहीं ही देते हैं, बाकी हम डिलीट कर देंगे। हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट में सबका एच आर ही डाल देता हूँ, और बाकी तो मान लीजिए सब प्रेजेंट ही है, एड्रेस हम बाकी में सब में प्रेजेंट लगा देते हैं। ठीक है सर, अब पूरे सीट को सिलेक्ट करते हैं और किसी एक पे जाके क्या हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ये पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिए किसी एक पे जाके तो पूरा ऑटो फिट हो जाता है। ऑटो फिट समझते हैं ना सर क्या होता है, हाँ हाँ समझ गया। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फिट हो गया हर एक कॉलम। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको प्रिंट आउट निकालने जा रहा हूँ और प्रिंट आउट नहीं निकल रहा, फिट टू विड्थ वो छोटा आ रहा है। ठीक है ना, नॉर्मल अगर 100% करता हूँ तो ये 13 तक ही आ रहा है। लैंडस्केप भी है पोर्ट्रेट की जगह पे, सही है। ठीक है ना, मार्जिन नॉर्मल की जगह पे नैरो कर देता हूँ तो कोई खास नहीं हुआ। अब मुझे अपने इस अटेंडेंस ईयर को एक सीट पे ही प्रिंट करना है, कैसे करें? एक्सेल में तो जो ऐसा हम करना पड़ेगा। जूम कर लेंगे ना, इसे स्क्रॉल कर लेंगे, पेपर में थोड़ी कर पाएंगे सर, पेपर की इससे तो शायद हाइट विड्थ छोटा सेम होती है ना। तो हाँ मैंने देखा कि मेरा डेटा छोटा है, सिर्फ हेडिंग ही तो बड़ा है ना सर। क्या सर, हाँ तो हमने हेडिंग हेडिंग को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप जो दिख रहा है ना, यहाँ ए ए टू जा रहा है, इसको हाँ इसको मैं रोटेट कर दिया, कर दिया सर। फिर अच्छा पूरी सीट को ठीक यहाँ से, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से पूरी सीट को सिलेक्ट हाँ करते हैं और यहाँ आके डबल क्लिक, डबल ऑटो फिट हो गया। क्लिक अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए एक पेज पे आ भी रहा है, आ रहा है ना सर, और दिख भी रहा है नॉर्मल। क्या सर, देखा सर इसका यूज हम लोग करते हैं। अब ये चीज क्यों बताया, देखिए छोटी सी चीज है अलाइनमेंट। अगर मैं आपको नॉर्मली बताता है कि भाई अलाइनमेंट इस हम बोर्ड को रोटेट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा भी इसको यूटिलाइज करने का दिमाग नहीं समझते लगा हैं। पाते हैं। हाँ देखिए आपको सही एक प्रॉब्लम के साथ बताया तो आपको लगा अच्छा हम ऐसा कर सकते, क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली क्या सर, हाँ हेडिंग करते समय ये हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसके बाद ये आता है लिंक। लिंक क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोला कि भाई गूगल, मैं चाहता हूँ कि इस पे एक हाइपर लिंक बन जाए, क्लिक करते गूगल खुल जाए, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एक तो है कि आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस दे सकते हैं जो कि आपके ड्राइव में हो। ठीक है,
या फिर आप यहाँ google.com या कुछ .com डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कोई इस पे जाएगा, कर्सर आएगा, क्लिक करेगा, गूगल खुल जाएगा। खुल गया सर। गया। अच्छा ऐसी मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ITT। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे हाइपरलिंक लग जाए, मैंने यहाँ पे लिख दिया www.ipt.india। अगर आईपीटी से स्कूल फोटो भी दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे फोटो भी दिखेगा, और क्लिक करते हो ओपन भी हो जाएगा। हो गए, तो ये हाइपरलिंक का था। अब आता है कमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ होता है, जैसे कि अभी हमने मान लीजिए अटेंडेंस शीट ही बनाया, राइट। अटेंडेंस शीट में हम जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक ये देना, एक कमेंट देना, तो मैं यहाँ से प्लस करूँगा और यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा कि दिस इज ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट। मतलब कि जब ज्वाइन किया तब का डिपार्टमेंट है, अभी क्या है ऐसे पता नहीं। ठीक है, तो कब दिखेगा, जब इस पे पॉइंट कर्सर जाएगा तब दिखेगा, कर्सर हट जाएगा तो नहीं दिखेगा, कर्सर जाएगा तो दिखेगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी आता है चार्ट। जैसे आपके पास कोई डेटा है, राइट, उसको चार्ट में शो करना चाहते। मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मंथ एंड से। हालांकि चार्ट का सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, जो कि हम आगे जब आपकी जो सिक्वेंसेज जब पढ़ूंगा उसमें आ जाएगा, तो उसमें देख सकते हैं आप। देखिए मोटा मोटी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ फीचर एक क्या चीज का अच्छा फीचर है। क्यूरियसिटी नहीं रहेगी और यूज जरूरत पड़ी तो यूज भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके हालांकि इंसर्ट में जाके हम चार्ट पे जा सकते हैं, ठीक है सर, लेकिन हम यहाँ से भी चार्ट पे जा सकते हैं। क्लिक करते हैं, एक सजेस्ट चार्ट आ जाएगी, यहाँ से अपना चार्ट अलग अलग ले सकते हैं कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए। और फिर चार्ट के जो साइज है बड़ा हो गया है, इसको छोटा करके जहाँ रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं। ठीक है सर। जनवरी में ऊपर जा रहा है, फरवरी में नीचे है, मार्च में ऊपर गया, अप्रैल में नीचे गया, है ना। सर आपकी वॉइस बड़ी स्लो आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर। हेलो, अभी हाँ आ रही सर, सर। अभी ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जनवरी में ऊपर है, फरवरी में वो नीचे आ रहा है, मार्च में वो जनवरी से नीचे ही रह रहा है, अप्रैल में वो और नीचे आ जा रहा है, मई में थोड़ा सा उठ रहा है, हाँ जून में मतलब और कि वो नीचे, डेटा के जुलाई में। हाँ अकॉर्डिंग वो लाइन बना दिया चार्ट। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, उसके समझ बाद गया, ये आता है आपका फिल्टर। फिल्टर ठीक है। ठीक आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसमें जो आता है आपका फॉर्मूले आती है। अब फॉर्मूले क्या होता है, है, मान लीजिए मुझे जहाँ पे यहाँ पे टोटल सबका दिखाना है, तो इक्वल हाँ सम लगाने की जगह पे यहीं पे आप सम पे क्लिक कर दीजिए और इसको ठीक सेलेक्ट कर है, दीजिए, सारा फॉर्मूला सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए, आपका सम लग गया। तो फॉर्मूला टाइप करने के बजाय आप यहीं पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जिसका एवरेज चाहिए ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एरिया को सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। अच्छा एक्सेल में एरिया भी सिलेक्ट हो जाता है। हाँ मैक्सिमम में मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट यूजेस फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बाकी और फॉर्मूले भी है, लेकिन फॉर्मूले का टॉपिक देख सकते हैं कितना फॉर्मूला लंबा है, दिख रहा है ये सारे फॉर्मूले। हाँ, तो ये फॉर्मूले जब फॉर्मूले कैटेगरी में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनू बार के अंदर में जो चीजें थी वो हमने आपको सामने दिखा दी। अब बात करते दिखा हैं दिया, इस मेनू में क्या चीज हो सकता है। देखिए फाइल मेनू बार आपका एक्सेल फाइल से रिलेटेड चीजें होगी। एडिट मेनू बार में आपका जो है कट कॉपी पेस्ट जो होता है वही होता है जो एडिट होता है। एडिट का, व्यू में आपका जो व्यू है, जैसे फ्रीज करना, ग्रुप करना, जूम करना, फुल स्क्रीन करना, वो होगा आपका। इंसर्ट के अंदर में आपको सेल्स रिलेटेड इंसर्ट करना है, जैसे चार्ट इंसर्ट करना, पिवट इंसर्ट करना, कोई इमेज इंसर्ट करना, कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना, कोई लिंक इंसर्ट करना, कमेंट इंसर्ट करना, ऐसी चीजें यहाँ पे आपको दिखेगी। इसके बाद ठीक फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग से लेकर नंबर फॉर्मेटिंग हो या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, सारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे होगा। ठीक डेटा में है, आपका डेटा से रिलेटेड जैसे सॉर्ट करना, फिल्टर करना, ये चीज़ें प्रोटेक्ट करना, ये चीज़ें आपको डेटा के अंदर आएगा। ठीक है ठीक सर। है,
टूल्स में कुछ रिलेटेड टूल्स होगा, जैसे कि फॉर्म क्रिएट करना, स्पेलिंग चेक करना, और कोई खास नहीं है। और एक्सटेंशन ये आपका गूगल स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। है। या फिर इसमें कुछ और आपने एड ऑन ऐड किया है। एड ऑन मतलब जैसे कि इसके कुछ बने बनाए बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर में जाके आप मोबाइल में बहुत सारे डाउनलोड कर लेते हैं ना एप्स, हाँ ऐसे यहाँ भी बहुत सारे बने बनाए एड ऑन है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। कुछ पेबल है, ठीक है कुछ फ्री है, कुछ सेमी फ्री है, ठीक है। तो ये ठीक है। सब चीज़ें आप मेरे को बाद में समझाओगे, ठीक हाँ, है। अभी हमें बता दिया ताकि अगर आपको कोई बोला है कि भाई फॉर्मूला इंसर्ट, फॉर्मूला लगा के बताओ, तो एक तो फॉर्मूला आप यहाँ से लगा देंगे, या फिर ठीक जो है फॉर्मूला सर्च इंसर्ट करना है तो में। इंसर्ट में जाएंगे। होता है क्या है कि मैं रिज्यूम, अब जब मैं किसी से इंटरव्यू लेता था तो मैं बोलता था बेटा एक काम करो, कोई भी इंटरव्यू लेता था बोलता था एक काम करो मुझे ये फॉर्मूला लगा के बताओ, या मुझे ये कमांड बताओ लगा के बताओ। तो अगर उसने, जैसे मान लीजिए मैंने बोला उसको कि डेटा वैलिडेशन लगा के दिखाओ, और डेटा ठीक वैलिडेशन के लिए है अगर वो इंसर्ट या फॉर्मेट वाले इस तरह से माउस लेके गया, इसका मतलब है कि हाँ, उसको ज़्यादा उसे नॉलेज आता नहीं नहीं है, है। क्योंकि उसको पता है कि डेटा वैलिडेशन डेटा में मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक करें। लेकिन कई बार क्या होता है हमें याद नहीं रहता तो ऐसी गलती कर देते हैं, इसलिए यस इसलिए मैं समझा देता हूँ कि जी किस तरह की टॉपिक किस मेनू वाले मिलेगा, ठीक है। ठीक है। तो इसकी सर प्रैक्टिस कीजिए।